ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। पहले तो ऐसा है, कोविड प्रादुर्भाव पूरे महाराष्ट्र में, अपने शहर में भी बढ़ रहा था। उसको आयुक्त राजा दयानिधि आने के बाद कंट्रोल में आया है, ये बात सही है। और आयुक्त जो भी काम करते हैं वो शासन के गाइडलाइन को मद्देनजर में रखते हुए काम करते हैं, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो या महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन हो, ऐसी कुछ गाइडलाइंस मेरे को लगता है कमिश्नर साहब को दी हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उससे मद्देनजर रखते हुए 17 करोड़ का टेंडर मंगाया है कमिश्नर साहब ने, टेंडर को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो 2 दिन का एक्सटेंशन भी दे के उसका टाइम बढ़ाया है। 17 करोड़ का टेंडर मंगाया है तो लोग यहाँ पे बोलते हैं क्यों मंगाया है, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण न हो, जब हो गई तो उसका इंतजाम करने के लिए, उसको उस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए जो कुछ तैयारी करनी पड़ती है वो तैयारी करके रखने का काम कमिश्नर कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये टेंडर की बात है, टेंडर गलत है, टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है, सत्ताधारी ने मिलकर किया है, और ये टेंडर किसके लिए निकाला जा रहा है मालूम नहीं। अरे लोगों के लिए निकाला जा रहा है, ये लोगों को कोरोना मरीज होने के बाद उनको तुरंत इलाज होना चाहिए, उनका तुरंत इलाज होने के बाद उनको तुरंत ठीक करने के लिए जो जो शासन ने गाइडलाइन दिया है वो गाइडलाइन के मुताबिक कमिश्नर ने ये टेंडर मंगाया, ऐसा मुझे लगता है। और टेंडर गलत होगा, टेंडर में अगर हेरा फेरी हो गई होगी, टेंडर में भ्रष्टाचार हो गया होगा, तो इनको कंप्लेंट करने के लिए अधिकार है। इस देश के नागरिक कोई भी रहे उनको अधिकार है कि अपन जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, कमिश्नर को कर सकते हैं, ऊपर नगर विकास सचिव को कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री को कर सकते हैं, मंत्री को कर सकते हैं। अगर उन्होंने भी नहीं सुना तो एंटी करप्शन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किधर भी जा सकते हैं। लोकशाही, इस हमारे देश में लोकशाही है, लोकशाही के माध्यम से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन टेंडर आया नहीं, टेंडर अभी तक ओपन हुआ नहीं, टेंडर खोला नहीं, भ्रष्टाचार पहला ही हुआ, और कैसा हुआ, क्या हुआ, ये तो बताओ, ये नहीं बताते हुए खाली आरोप करते जाने का, काम किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये जो दोगली राजनीति यहाँ पर चल रही है वो थोड़ा रुकाना चाहिए, वो रोकना चाहिए। पहले ये बताओ भ्रष्टाचार हुआ है तो कहाँ हुआ है और किसने किया है, उसके ऊपर कार्रवाई हम भी करने के लिए बोलेंगे, नहीं बोला तो फिर हमको भी आप दोषी ठहर सकते हैं। लेकिन सत्ताधारी पक्ष ने भ्रष्टाचार किया। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ उल्लासनगर में स्टैंडिंग चेयरमैन है बीजेपी का, मैं शुक्रामणि वो स्टैंडिंग समिति के सदस्य है, उनको लोगों ने चुन के दिया है, उनको अधिकार है, अगर टेंडर स्टैंडिंग कमेटी में आता है वहां पर वो चर्चा कर सकते हैं, भ्रष्टाचार हुआ तो कैसा हुआ बता सकते हैं, और कानूनी कार्रवाई भ्रष्टाचार करने वाले के ऊपर वो कर सकते हैं। लेकिन पहले ही चिल्लाना, समझदार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको अगर पहले ही चिल्लाना है तो ये गलत है। और किसी पे आरोप करते टाइम अपना भी पहले अपने गर्दन में झांक के देखना पड़ता है, वो करने का काम वो नहीं करते हुए दूसरे पे आरोप करते हैं। कोविड के कार्यकाल में, कोविड जैसे ही शुरू हुआ उस कार्यकाल में कोविड पेशेंट को एडमिट करने के लिए एक हॉस्पिटल चलाने का काम लॉजिंग के माध्यम से महेश सुब्रमण्यम ने किया था, और वो काम में बहुत सारी लूट हुई, उसकी परमिशन नहीं होते हुए भी वो काम चालू किया था, बाद में परमिशन ली गई। ठीक है, जो भी हो रहा है शहर के लोगों के लिए हुआ, हमने कभी ऐसे आरोप नहीं किया इनके ऊपर, लेकिन ये अगर आरोप करेंगे तो हमको भी इनके ऊपर आरोप करना पड़ेगा। तो अभी उनके लॉजिंग अभी भी चालू है, अभी भी वो मरीजों से पैसा लिया जाता है, ज्यादा पैसा लिया जाता है, शहर के लोग उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, और कोई भी लोग है जो इधर तक ने जो बातें करते हैं वो लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। लेकिन ठीक है, हमको उसमें जाना नहीं है, लेकिन हुआ अगर किसी के ऊपर आरोप करते तो अपन क्या कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात।